खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले की जांच शुरू कर दी। पेपर लीक मामले के केस में सीबीआई ने एक अलग से केस रजिस्टर किया है और इसी के आधार पर छानबीन शुरू की है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई की टीम बिहार की राजधानी पटना पहुंच गई है। दरअसल नीट पेपर लीक मामले में बिहार के कई लोगों के नाम सामने आए हैं। संजीव मुखिया, प्रभात रंजन और चिंटू के साथ साथ एक और शख्स है जिसे नीट पेपर लीक में अहम किरदार माना जा रहा है और वो शख्स है मनीष प्रकाश। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक मनीष ने ही अपने दोस्त आशुतोष के जरिए परीक्षार्थियों के लिए एक प्ले स्कूल बुक कराया था। मनीष ने पटना के खेमनी चक में स्थित एक प्ले स्कूल में 20 से 25 की संख्या में नीट परीक्षार्थियों को रुकवाया था। वहीं जब कल मनीष की पत्नी से उसके बारे में सवाल किया गया, उसने क्या जवाब दिए सुनिए। मनीष जी छात्रों को रहने के लिए खेमनी चक लेकर गए थे 4 मई। कोई जानकारी नहीं है। कहाँ है मनीष जी? हमको जानकारी नहीं है। आप पत्नी, आपको जानकारी क्यों नहीं है? नहीं है जानकारी, क्या कहना है? अरे तो बताइए तो कहाँ है? पति के बारे में पत्नी को जानकारी नहीं होगा तो नहीं होगा। ये बताइए कितने दिनों से उनसे आपकी बात नहीं हुई है? सुबह में बात हुई, अभी कहीं निकले हैं? यहीं पे रह रहे हैं? यहीं पे रह रहे हैं। आएंगे मनीष जी? आएंगे, आएंगे, कभी आएंगे, कखनियो आएंगे। नहीं नहीं, ये जानकारी मिल रही है कि वो तो घर ही में मौजूद हैं। तो मिल रही है तो जाइए प्रशासन को बुला के लाइए, वो समझेगी। क्वेश्चन पेपर लीक करने का उनके ऊपर आरोप है। आपके किसी भी सवाल का जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते। मनीष जी जाने, आप जानिए, प्रशासन जाने, आप हमको 4 मई की रात मनीष कहा, मनीष को सहयोग करेंगे। हाँ सहयोग करेंगे, प्रशासन को पूरा सहयोग करेंगे। क्या उनको फंसाया जा रहा है? जी फंसाया। क्यों फंसाया जा रहा है? आखिर क्यों उनका नाम आ गया? दोस्ती है, सब में आना जाना घर पे होता था तो किसी का दोस्त को फंसा देता है क्या? जी हाँ, आशुतोष को तो यही कर रहा है कि मनीष फंसा दिया है। अब जो दोनों एक दूसरे, आशुतोष को कितने दिन से जानते हैं आप? क्या आपके घर में आना जाना था? ज्यादा दिन से नहीं। हाँ आते थे, आशुतोष जी भी आते थे, हम देखे 2-4 बार आए हैं। आप खेमनी चक लर्न प्ले स्कूल जहाँ पर है वहाँ गई है कभी? बता दें कि खेमनी चक के इसी प्ले स्कूल में बच्चों को नीट का क्वेश्चन पेपर और उनके सवालों का जवाब रटवाया गया था। अब तक जो खुलासे हुए हैं उनमें ये बात निकल के सामने आई है कि तकरीबन 7 से 8 बच्चे इस पूरे पेपर लीक में शामिल थे। लेकिन जो नया मामला है, जो नई बात निकल के सामने आई है, उसके मुताबिक सिर्फ 8-9 नहीं है बल्कि 30 से 35 बच्चे उस रात मौजूद थे जो क्वेश्चन पेपर लीक पूरे मामले में शामिल थे, जिनको आंसर अटवाए गए थे। खेमनी चक का ये स्कूल देखिए, दिखने में कोई आम सा स्कूल लगेगा ये लर्न प्ले स्कूल। अक्सर कई इलाकों में इस तरीके से बच्चों के लिए प्ले स्कूल बनाया जाता है, लेकिन ये प्ले स्कूल बहुत खास है। ये खास है उन लोगों के लिए जिन्होंने इस बार के क्वेश्चन पेपर को लीक करवाया था। ये खास है उन बच्चों के लिए जो उस रात यहां मौजूद थे और यहां पर उन क्वेश्चन पेपर्स जो लीक हुए थे उनको रट रहे थे। इसी प्ले स्कूल के अंदर, जो खेमनी चक के अंदर है, इसी के अंदर वो सारी चीजें रटवाई गई थी, क्वेश्चन पेपर दिए गए थे और यहीं से बच्चे जो है वो आंसर्स को रट के एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे थे। देखिए किस तरीके से ये पूरा का पूरा प्ले स्कूल एक खंडहर के रूप में आपको नजर आएगा। अगर आसपास के इलाके को भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह इलाका कैसा है। सामने देखिए बंजर जमीन पड़ी हुई है, खाली, कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा। कोई आस पड़ोस में इस तरीके के मकान अभी भी प्रॉपर नहीं बने हैं जिनमें लोग रह रहे हैं। अभी भी देखिए यहाँ पे नए स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग नजर आएंगे, हर घर पे ताला नजर आएगा। और इसी तरीके से ऐसे लोकेशन को इन आरोपियों ने चुना है ताकि कोई भी यहां तक ना पहुंच पाए। एक बार अंदर भी एक बार कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं। ये देखिए, अगर आप यहां से देखेंगे तो देखिए किस तरीके से इसके अंदर आपको एक ट्रेडमिल नजर आएगा, गेट नजर आएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अंदर आपको जो है वो एक कारपेट नजर आएगा और कुछ कुर्सियां नजर आएंगी। इसके अलावा अंदर कुछ भी नहीं है। और आप समझिए कि यही वो घर है, यही वो प्ले स्कूल है जहां पर बच्चों को रटवाए गए थे, क्वेश्चंस बताए गए थे और यहीं से बच्चे क्वेश्चंस को याद करके रट के एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचे थे जहां उन्होंने नीट की परीक्षा दी थी। आप समझिए कितनी बारीकी के साथ इसकी तैयारी की गई थी। आप समझिए कि किस तरीके से उन रास्तों को चुना गया था जिन रास्तों पर पुलिस के लिए क्या किसी भी आम आदमी के आने से तकलीफ हो। बारीकी के साथ इस पूरे प्लानिंग को अंजाम दिया गया, लेकिन भंडाफोड़ हुआ और अब तक 13 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और ये आंच और बढ़ेगी। ये आग कहां तक पहुंचेगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ईओयू इस पूरे मामले की जांच कर रही है और देखना होगा कि जांच में क्या कुछ और खुलासे नए निकल के सामने आते हैं। बता दें कि नीट परीक्षा पेपर लीक के तार बिहार,
झारखंड और महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं। इस मामले में सीबीआई की एंट्री के बाद कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।